और सीधे रुख करेंगे इस वक्त की तमाम अहम खबरों की ओर। आपको बता दें कि देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर बरकरार है, तो वहीं लगातार कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। हालांकि पहले की तुलना में अब नए मामलों में गिरावट दर्ज की जाने लगी है और कोरोना की दूसरी लहर के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत की है। बैठक में हर्षवर्धन ने कोरोना और ब्लैक फंगस की ताजा स्थिति की जानकारी ली। बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है, अब देश में ब्लैक फंगस की दवा का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और हर्षवर्धन ने हर राज्य से ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज की सूची में डालने को कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस आने वाले समय में बच्चों पर प्रभाव डाल सकता है, लेकिन सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी तेज कर दी है। टू प्लीज फोकस ऑन वैक्सीनेशन एंड प्लान इट मेटिकुलसली बिकॉज द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ इज इन्फॉर्मिंग यू at least 15 days earlier about how many vaccines will be available for you in the next 15 days. So you can plan it in an efficient manner. And then one more request which we have been consistently following for last few weeks is that for the vaccines which are available from the government above 45, we are emphasizing